आजकल की बहुएं का देखो, पहले की बहुएं दूध निकालती थी। मायके में नहीं देखा, मैं कैसे करूंगी फिर? मेरे घर एक भी जानू नहीं पड़ी। सास है यार, अब ये सास बन गई है तो अब ये वही सास वाला रोल करती। औकात दिखा दूंगा, औकात खरीद दूंगा। अब मुझे इनको गुस्सा था, कैसी सास है? अपनी जिम्मेदारी निभाली बड़ी बहू की। तो भैया जब तक हम हैं घर में तब तक खेती बाड़ी हम कर सकते हैं। वैलेंटाइन गिफ्ट आज है, चॉकलेट डे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है, देखो हमारे सुबह के नाश्ते के साथ। नाश्ते में आज खाने में क्या? भटकी चुरकानी, गडवे की सब्जी और बीन की सब्जी और रोटी। पापा नाश्ता हो गया तुम्हारा? फाइनल हो गया। चलो हम नाश्ता कर ले फिर। कुछ खाओगे? ना, चाय पियेंगे इसके बाद। पापा कितनी चाय पियोगे यार सुबह शाम तक? कितनी पी रखी है यार, तू तो ऐसे पूछता है। चाय पी ली क्या? वो खा लिया सारा, ग्रेवी पी लिया। तो चाय एक लिमिट की होनी चाहिए। तो लिमिटेशन में तीन हो गई हैं, चौथी के लिए कह रहे हैं आप? दो चाय सुबह पी, एक फिर पी ली, तीन पी ली। अब इससे बाकी क्या ड्रामा करवाएगा क्या यहाँ मेरे से? तो कम कम पीनी चाहिए। कम ही पिए। चलो छोड़ो यार, तुम रहने दो, मैं नाश्ता करता। खाली पहले खाना रखा, हाथ में खाना खाओ आप। मैंने तो खाना खा लिया, पापा के लिए चाय बनाता हूँ। तो चलो भी, पापा को चाय दे दी। और ये तुम्हारी दिन की हो गई है, सातवीं आठवीं चाय हो गई, ठीक है आज की। अब एक घंटे बाद चाय मिलेगी, ठीक है? एक घंटे बाद, ठीक है। चलो ओके, पियो आराम से। डेढ़ बज रहा है, ढाई बजे। और नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हंगामा होगा। हंगामा होगा। और टाइम हो गया आपका 11:30 से 12 बज चुका है। मम्मी चले गई खेत, तो एक काम करते हैं, मम्मी के पास खेत चलते हैं। चलो भैया, मम्मी के लिए चाय पैक कर ली है इस कैटल के अंदर। पापा पढ़ रहे हैं अखबार। हेलो पापा, क्या हाल चाल? अखबार पढ़ रहे हो, चल रहे हो खेत क्या? और मम्मी अकेले काम कर रही है, तुम क्या यहाँ बैठे हो घर में आराम कर रहे हो? जाओ जाओ देखे आओ। तो चलो भाई खेत चलते हैं, पापा अभी अखबार पढ़ रहे हैं। तो भाई चलो, मैं पहुँच गया हूँ खेत में। और मम्मी के लिए मैं लाया हूँ बिस्किट, अभी घास काटेंगे फिर कुट्टी काटेंगे सख्ती के बाद। ले मम्मी तेरे लिए आज वैलेंटाइन गिफ्ट। आज वो है ना, कहते बिस्किट डे है, चॉकलेट डे। चॉकलेट देने के लिए तो मेरे पे कोई है नहीं, तो मैंने बिस्किट दे दिया मम्मी को, ठीक है? क्योंकि बाहर वालों को देने से अच्छा है कि घर वालों को दो। बाहर आया समझ में, अब समझ में आ गया। समझ में आ गया, समझ में आया, देर में आया, ठीक है, जब भी आया आ गया। आज का वैलेंटाइन डे चल रहा है, लड़के लड़कियों को चॉकलेट वॉकलेट दे रहे हैं। नहीं देने चाहिए। क्यों? बात है नहीं ना, खाने के बिना आजकल कोई भूखा जुगे मारा, जो उससे अच्छा भूखा को खिलाओ, प्यासे को पिलाओ। अपंग है, जो हाथ नहीं है पैर नहीं है उसको दो। चल गया है फैशन कि मरते हैं आपस में, आपस में जहर खाते हैं, लड़ाई करते हैं, क्यों देना हो रहा किसी को, क्यों? चलो मम्मी का आज का ज्ञान यहीं पर खत्म करते हैं। चाय पीऊंगा तो फिर मेरी आदत खराब हो जाएगी। तो चलो भैया, अब खेत में आए हैं तो थोड़ा काम कर लेते हैं। प्याज की क्यारियां बना लेते हैं जिसमें हम अपनी प्याज लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी करता बराबर हो गई। तो भाई ये हमने प्याज की क्यारी को बना दिया, ये दो खेत के बीच में हल्की मुहेर टाइप की ना, ताकि इसका पानी उसमें ना जाए। और थोड़ी देर में ही 10 मिनट में ही सांसें फूल गई भाई। अपनी क्यारी बनके तैयार हो गई है सारी प्याज की, अब इसमें कल प्याज लगाया जाएगा। तो चलो भैया जी, प्याज की क्यारी तो बना दी है हमने, अब मम्मी घास काट रही है, फिर फटाफट से मैं इस घास को लेके घर चले आऊंगा। भैया चलो, मम्मी ने घास काट के रख दिया, फटाफट से इस घास को लेते हैं घर चलते हैं। आज का घास। तो भैया जब तक हम हैं घर में तब तक खेती बाड़ी हम कर सकते हैं, मतलब घास लाते हैं, घास लाने मम्मी का हाथ बढ़ाते हैं। तो भाई जी, ये हमारी गाय भैंस के लिए खाना आ चुका है, सिद्धि लेके आ गई है। देखो 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 देखो, इसका ना भोजन आ गया, शाही पनीर है। हे भगवान, मिक्स वेज है। मिक्स वेज, घर की छुटकी, घर की सासू माँ, घर की बहू, सब लोग मिलके आप खेत का काम करेंगे। और तुम वीडियो बनाना। वीडियो नहीं, मैं कमाई बहुत। मैं वीडियो बनाऊंगी, तुम सब काटो। घर की बहू काम करती, वीडियो बनाती है। वीडियो बनाती है, आजकल ब्लॉगर है सारी। तो पहले जब तक इनकी सास होगी और ये बहू होंगी, तब तक इनको अपनी सासों बहुत गुस्सा आता होगा। कैसी सास है यार, अब ये सास बन गई है तो अब ये वही सास वाला रोल करती है, तो अब मुझे इनको गुस्सा आता है, कैसी सास है। मम्मी क्या कह रही है? देखो तुम्हारी बहू, जब ये बहू होंगी तो अपनी सास पे गुस्सा करती होंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मतलब सास पे गुस्सा करोगे क्या? कभी वो उनकी सास होगी तो उनको आता होगा, अब वो मेरी सास बन गई तो अब मुझे आता है। कल को मम्मी, तूने कभी अपनी सास पे गुस्सा किया? तो तुम ही जान सकते हो, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा बाकी अभी एक बहू, अभी एक बहू और आगे। तो तुम्हारी शादी है, तुम्हारी बहू आएगी तो इसको बताएंगे ना। क्या बताओगे तुम? लड़ते रहोगे एक दूसरे से, पता लगा उसने कब लड़ाई नहीं होती है घर में लोग। तुम शादी नहीं करने की वजह भी है, तुम्हें मैंने रोटी बना दी सब्जी, अब ये बनाएगी, मैं गई अपने कमरे में। अब मैंने बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाली बड़ी बहू की, अब तुम्हारी आएगी, उसको निभाना है। वो कुछ नहीं करेगी, वो तो अपना बैग पकड़ेगी मेरी तरह ट्रैवलिंग वाला, और पकड़ेगी कैमरा। हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी ना, घूमे चाहे कुछ करे, और हाथ में पकड़ेगी सेल्फी स्टिक, लगाएगी पीछे से चटाक तुम्हारे ही। ये आजकल की बहुएं का देखो, डर रही जानवरों से। पहले की बहुएं दूध निकालती थी, खाना खिलाती थी उनको प्यार से। मायके में नहीं देखा, मैं कैसे करूंगी फिर? मेरे घर एक भी जानवर नहीं, कुत्ते ही कुत्ते हैं। घर की बहू पहली बार घर में घास काट रही है, पहले वो मोटा घास लगाते हैं फिर पतला वाला घास लगाते हैं। जॉब करती मैंने, तब भी अपने हाथों से। बहुत हालत खराब हो गई इसकी, पकड़ मैं काटता हूँ। चलो
मतलब शाम के 5:30 बज गए। अब हम जा रहे हैं, मैं, पापा, भाभी सब लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ, क्योंकि घर में चावल खत्म हो गए, तो चावल लेके आने। चलो भाई, आज चलना गाड़ी को बिल्कुल आराम से, बहुत तसल्ली से, आराम से। आज तो गाड़ी धुआं बना के चलाऊंगा। गाड़ी धुआं बनाओ, चाहे तेल बनाओ, चाहे पेट्रोल बनाओ, गाड़ी को अपने लिमिटेशन के अंदर चलाओ। और उसमें बच्चे बैठे हैं घर के, धुआं बना के चलना गाड़ी का। भाभी बोल रही धुआं बना के चलना गाड़ी का, दिमाग खराब सही नहीं है। तो स्पीड पसंद है, चलाओ बताओ। मैं ड्राइवर हूँ क्या? ड्राइवर हूँ मैं। नहीं पापा, ये आजकल के लड़के लड़कियों का शौक है ना, तेज चलना, धुआं उड़ाना। इनका काम है धुआं उड़ाना बस। चलो भी चलते हैं, रास्ते में पता नहीं आगे क्या मिलेगा, मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। खातू में झुर्रियाँ पड़ गई है, ये देखो। नहीं, ये क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी है? ये खान पान की कमी है। मेरे तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। पापा सुबह पापा जो ऑमलेट बने वो काजू बादाम में बनना चाहिए। मैं भी इतने बड़े ख्वाब भी नहीं देखता हूँ, काजू बादाम में ही बने, तेल में ही बना दो, वही बहुत लाही का तेल बहुत है। थोड़ा बचो, थोड़ा बचो। हाँ, इसके अंदर डाल दो। शुक्रिया भैया। चलो भैया, अपना चावल का कट्टा तो आ गया। ये तुमने क्या मंगा लिया? चाउमीन। कहाँ से आई? पापा ने। भैया मैं ना बाहर गया, कहते चावल का कट्टा लेने गया, पापा ने। सामने चाउमीन वाला है, वहाँ ऑर्डर दे दिया। यहाँ भाभी लोग चाउमीन पेलने लग गए, तुमने शर्म नहीं आई? और पैसे कहाँ से आएंगे आप? पैसा ये देंगे। कहाँ से आया पैसा? ये कल उसने लगाया। कहाँ? वहाँ हमारी मम्मी की फ्रेंड है जो। तुम वहाँ से पिठे लगा रहे थे, ये पैसे बचा करके तुमने अभी तक? यही तो था उसके अंदर। एक और है इसमें, ये एक रुपया और है। छोड़ो, 51 लगाई ना उसने मेरे को। तो ये चाउमीन कितने की है? मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो हस्बैंड को 51 लगाएगी। तो पैसे तो बच जाएंगे, और पार्टी करेंगे फिर भी। क्या कहा? 30 रुपए की। 30 रुपए का प्लेट? पापा चाउमीन तुम्हारा टाइम नहीं है, 2 रुपए। तो तुमने पहले पूछा नहीं प्राइस क्या है? ना। पापा टिक्की खाने के पैसे दो आप। ऐसा करो, सब आना इसकी। अच्छा, इसके कितने टिक्की आएंगे? इसकी 2 टिक्की आएंगे कुल। दिमाग खराब हो रहा है क्या? क्यों, कितने टिक्की आएंगे इसकी? 100 का है वो। तो 100 में कितनी टिक्की आती है? 20 रुपए की एक टिक्की आती है, 5 टिक्की आएंगे इसमें। अरे भगवान, पापा को सब पता है भाई। चलो टिक्की लेके आते हैं। चलो भैया, पापा के ऑर्डर पे मैंने टिक्की विक्की पैक करा ली है, अब चलते हैं घर की तरफ। लो पापा, टिक्की आ गई तुम्हारी, पैसे सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब बताओ कितने पैसे बचे हैं और अभी? सभी खत्म, जेब नंगी कर लूं। तो भाई अपना चावल भी ले लिए, दवाई भी ले ली है, टिक्की भी ले ली, अब चले पापा। चल पतली गली से निकल। आजकल रोज शाम को पापा को घुमाना पड़ता है सुबह शाम। तो पापा जब तेरे साथ का तो ऐसा ना, तू जरा एक्टिव है, इसलिए तेरे साथ घूमने का इंटरेस्ट अलग है। अच्छा, वो उतना एक्टिव नहीं। कौन? वो भैया मेरा। धमकी देता है ना वो ज्यादा फालतू की। धमकी नहीं, तड़ी नहीं खाता, खाली 2 रुपए की तड़ी। मैं अगर बिगड़ गया, माँ आ गया अपने अकड़ में, फिर वो खाता हूँ पीछे का हड्डी फट जाती है। लेकिन मैं नहीं, मैं कभी उस पर हाथ छोड़ने का मतलब भगवान पर हाथ छोड़ना। और मुझ पर? तेरे को तो छोड़ भी दूंगा, कभी पटका भी दूंगा। क्यों? औकात तो रहेगी नहीं रहेगा। तो घुमा भी मैं ही रहा, फिरा भी मैं रहा। घुमा रहा है तो एहसान कर रहा है क्या? मेरे साथ गद्दारी कोई ना करे, मेरे परिवार का सदस्य, फैमिली मेंबर, कोई भी मेरे से गद्दारी ना करे। समझा? मैं मेरे से गद्दारी ना करे, औकात दिखा दूंगा, औकात खरीद दूंगा। उन्होंने रुपया कमाया जिंदगी में। अच्छा, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, और अभी आज भी सैल्यूट करता है। हम लोग बाजार से घर पहुंच चुके हैं। तो भाई जी, बाजार से घर आ गए हैं, और अब टाइम है भैया अपनी टिक्की विक्की खाने का। कैसे हो रही टिक्की? बढ़िया, बहुत अच्छी। कितने की खरी है क्या? 20 रुपए की। एक पैकेट? हाँ। एक झंडे का प्लेट? हाँ। तो फिर कब? महंगा महंगा है। नहीं, अभी 5 रुपए की महंगी, वो टाइम चला गया। मगर सब 20 का है। हाँ, इतनी सारी 5 टिक्की 20 की? 20 रुपए की एक हो गई है। पहले था 1-2 साल पहले 10 की एक। 20-25 100 रुपए की हो गई थी। हाँ, 100 रुपए की हो गए फिर। तो भैया जी, टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 9 बज चुका है। भाई देखो, 9 बज चुका है और सारे घर वाले इसमें बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ चल रही है इस टाइम पे। हल्द्वानी के अंदर ना, हल्द्वानी में इस समय जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस टाइम पे कर्फ्यू लगा है हल्द्वानी में, या इस समय गोली मारने के पूरे साफ साफ आदेश है। तो भाई थोड़ा बच के, तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं फिर आपके साथ एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। सब लोग घर वाले बैठ के, तब तक हम न्यूज़ देखते हैं कि आज हुआ क्या।